एनसीएल मुख्यालय के दुधीचुवा एवं अमलोरी परियोजना में गजराज कंपनी के श्रमिकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 30 तारीख से काम बंद कर हड़ताल पे हैं। आपको बता दें कि 31 तारीख को मोरवा टीआई एनसीएल के अधिकारी एवं ईटक ट्रेड यूनियन के महामंत्री गजराज कंपनी के मालिक के बीच यहां लिखित निर्णय लिया गया है। 13 सितंबर 2019 तक सभी श्रमिकों का एरियर एवं जुलाई माह का पेमेंट तथा पीएफ का स्टेटमेंट दिया जाएगा, लेकिन काम चालू करने पर सहमति नहीं बन पाई थी। गजराज कंपनी के दोनों परियोजना के श्रमिकों द्वारा आज मोरवा सामुदायिक भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अगर 13 तारीख के अंदर एरियर जुलाई माह का पेमेंट एवं पीएफ का स्टेटमेंट कंपनी द्वारा नहीं दिया गया तो 14 तारीख से हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम सभी गजराज के मजदूर साथी 30 तारीख को हड़ताल किए थे, जिसमें से हम लोग का मुद्दा था पीएफ एरियस और दो महीने का पेमेंट रुका हुआ था। माननीय कमलेश्वर मंत्री जी जो है तो बात किए और टीआई साहब को बोले कि आप जो है तो इसमें समझौता कराइए, और टीआई साहब आए, हम लोग के बीच में वार्तालाप हुआ और वार्तालाप को जो है तो सक्सेस किए और बोले कि नहीं ठीक है चलो हम लोग जो द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे, और उसमें जो है तो हम लोग का निर्णय लिया गया कि जो है तो हम लोग का एरियस और पेमेंट जो है तो रुका हुआ है वो 13 तारीख के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें जो है तो एनसीएल के सीओ साहब और कंपनी के उच्च अधिकारी और टीआई साहब मोरवा थाना के ये सारे आदमियों के बीच में और हमारे महामंत्री बिष्ट जी भी थे और हम लोग कर्मचारी भी थे गजराज के, उसमें वार्तालाप हुआ और निर्णय लिया गया कि जो है कि 13 तारीख के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 14 तारीख को अमलोरी और दुधीचुवा दोनों को मिला के और उग्र आंदोलन करेंगे और जो है तो एनसीएल का भी काम को प्रभावित करेंगे। विशाल आंदोलन करने की हम लोग की तैयारी है और रणनीति भी रहेगी।